मैंने काफी साधना की है इसके ऊपर, मैंने काफी रिसर्च किया, मैं किसी अंबिका योग नमस्कार को सर, पूछ सकता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार शंकर जी, नमस्कार सुमन जी, नमस्कार नमस्कार अर्जुन सर। जी, आपके ज्वाइन होने के नमस्कार। पहले थोड़ा हम अपना अलग टॉपिक पे बात कर अरे रहे थे सर। टॉपिक में बीच में बाई चांस मैंने एक आध सेंटेंस सुना, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे लग रहा था कि आज का सेशन तो यही करा जाए योगा वाला। राकेश नहीं, जी नमस्कार। नमस्कार वो तो कभी सर। भी कर सकते सर, जब आप आदेश देंगे तब हम कर सकते हैं, कोई हाँ इशू नहीं, नहीं। बीच में करेंगे, ये अच्छा है, मतलब किसी का भी कोई चीज कोई जानता है तो वो आपस में शेयर होनी अच्छा, चाहिए, तभी यस सर। बढ़िया आप है। हाँ जब सबसे मिलते हैं तो ऐसे लगता है सबका इंटरेस्ट समझ में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार विकास जी, नमस्कार नमस्कार सर, वी ऑल आर वेरी नमस्कार। एक्साइटेड सर टू लर्न। नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसे ठीक है। आप अनुपम जी नमस्कार, सौम्य जी नमस्कार, मनीषा जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी नमस्कार, सब जी, लोग। सर जी। हाँ तो आप नमस्कार शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट को तो अपनी वीडियो खोल लीजिए। आप सब लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है, कुछ तो चेहरा तो दिखाई पड़े, धीरे धीरे नाम पता चलेगा कैसे कैसे है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा सौम्य आशीष नमस्कार। अच्छा तो आज हम शुरू करते हैं पहली क्लास जो हमारी स्टार्ट होनी है, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप पढ़ना चाहें आप पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं चाहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी को ठीक से पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ाऊं, जो सही है उसे पढ़ाऊं, कोई गलत चीज नहीं पढ़ाऊं आप लोगों को। तो जब भी आपको पीरियड का ये नहीं सोचिए कि 4 महीने या 5 महीने हैं तो उसमें बंद हो गया बंद हो गया, जब तक आपकी सीखने की इच्छा हो आप सीखते रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, फिर भी मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि मैं अपनी साइड से क्या क्या चीज सिखाना चाहता हूं अभी फिलहाल, बट वो फ्रेमवर्क जो है बहुत इंडिकेटिव है, उसको ये मत समझ के चलिए, आपके इसी के दायरे में रहना है। मतलब वो एक छोटा सा रेफरेंस है कि इसके आसपास पढ़ाएंगे और उसके अलावा जो चीज आप पढ़ना चाहेंगे वो भी आपको पढ़ाएंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ जानना, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, एस्ट्रोलॉजी में ग्रह हैं, राशि है, नक्षत्र हैं, हम लोग इनकी बातें बहुत करेंगे आगे जाके। आप अगर किसी को बाई चांस इसका आइडिया ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे जाके हम इसकी बातें बहुत करेंगे, सब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि आकाश में ग्रह हैं, चांद हैं, तारे हैं, तो ये बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, सब इन्हीं का हमारे पर सारा असर होता है। जैसे चांद है, अब चंद्रमा का असर हमारे पर होता है, आपने देखा है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास होता है तो समुद्र से थोड़ा, समुद्र में भी ज्वार भाटा थोड़ा उठता है उसके अंदर, क्योंकि वो फोर्स से पानी को खींचता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने ग्रह हैं उनका असर हमारे ऊपर हो रहा है, वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं और सूर्य से प्रकाश लेके हमको प्रकाश भेजते हैं, तो वो सब चीजें रेज हमारे पास आ रही हैं, उनका असर हमारे पे होता है। तो क्या हमारे ग्रह हैं, कौन से हमारे ग्रह हैं, हमारा ब्रह्मांड क्या है, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल प्लैनेट्स क्या हैं, कितना उनका रिवॉल्यूशन रोटेशन क्या है। हमारे यहाँ एक वर्ड हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का, जैसे कि हम नॉर्मल डिस्टेंस में जाते हैं हम कहते हैं कि जी 40 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, तो लेकिन ऐसी लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल होता है जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं या ऊपर की बात करते हैं। फिर हमारे टाइमिंग्स के बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि हमारे लोकल मीन टाइम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, दिन मान रात्रि मान क्या है। ये बेसिक आइडिया मैं चाह रहा हूँ कि एक दो क्लास के अंदर आपको दिया जाए, ताकि हो सकता है कि कुछ समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन परेशान मत होइएगा, ये तो मैं आगे भी आपको समझाता रहूंगा टाइम टू टाइम, जब दोबारा नंबर इसका आएगा तो पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं इसको, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी में हम लोग शुरू करेंगे कि भाई ज्योतिष क्या है, हमारी ज्योतिष की क्या क्वालिटीज होती हैं, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे चार्ट्स कैसे कैसे हैं, पंचांग हमारा बहुत मेन रहता है, एफेमेरिस, जिसके अंदर तिथि, नक्षत्र, वार, योग, इस तरह की चीजें दी होती हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे हम लोग तिथि निकालते हैं, कैसे वार निकालते हैं, कैसे योग निकालते हैं, कैसे करण निकालते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। कुछ मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर होगा, जिनको आइडिया हो वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आइडिया हो तो बिल्कुल, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि वो घबराए नहीं जरा सा भी, जब बीच में आएगा तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको कोई चीज नई ना लगे,
सब चीज आपको ऐसा लगे जैसे आपने सुना हुआ है, और फिर आपको बताएंगे कि प्लैनेट्स क्या क्या हैं, उनके क्या कारक हैं, कौन से प्रोफेशन देखते हैं उनसे, क्या डिसीज उनसे देखते हैं, फिर डिफरेंट भाव, क्योंकि जो कुंडली के भाव हैं 12 भाव होते हैं कुंडली के, उन 12 भावों में पूरी दुनिया सिमटी हुई है आपकी और हमारी, उन पूरे 12 भावों को हम लोग स्टडी करेंगे कि हर भाव से क्या देखते हैं, हर भाव से क्या बॉडी पार्ट्स देखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एक बहुत एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा टेढ़ी खीर होता है राहु केतु के बारे में बात करना, क्योंकि राहु केतु का नाम सुनते ही सब थोड़े से हो जाते हैं कि जिसको थोड़ा डराना होता है बोल देते हैं कि ये तो राहु केतु आदमी है, जब ग्रह राहु केतु की दशा होती है तो बोलते हैं कि बड़ी खतरनाक दशा है। तो राहु केतु के बारे में पढ़ेंगे कैसे करते हैं उसको, फिर हम पढ़ेंगे कि जो ग्रह होते हैं हमारे वो रिजल्ट देते हैं, किसी ने अच्छा रिजल्ट देना है, किसी ने खराब रिजल्ट देना है, अच्छा रिजल्ट देना है या खराब रिजल्ट देना है तो वो डिपेंड करता है कि ग्रह कितना स्ट्रेंथ है, ग्रह के अंदर ग्रह कितना बली है, तो कैसे हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, षडबल जो हम लोग बोलते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, हल्का सा मैथमेटिक्स इसमें रहेगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा ताकि आपको ग्रह की स्ट्रेंथ देखते वक्त जब भी आप कुंडली देखेंगे और आपको ये देखना होगा कि ग्रह कैसा है, तो आपको मालूम रहेगा कि यहाँ ये ग्रह हमारा स्ट्रेंथ वाला है तो ये ग्रह हमारे अच्छे रिजल्ट देगा, ये ग्रह हमारा कमजोर है तो ये ग्रह हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कुंडली को ढंग से स्टडी करने के लिए, उसका हर भाव स्टडी करने के लिए, वो वर्क चार्ट से मैं आपको सब बताऊंगा। फिर ये होता है कि जो ग्रह होते हैं अपना रिजल्ट देते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है दशा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गोचर फल, गोचर होता है ट्रांजिट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, ग्रहों का घूमना, क्योंकि आज ग्रह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूम रहे होते हैं और रोज ग्रहों का गोचर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, जन्म के समय कुछ और था और रोज कुछ और होता है, तो वो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है गोचर, कैसे देखते हैं गोचर फल को और कैसे गोचर फल को रिलेट करते हैं दशा से, कैसे फल रिलेट करते हैं उससे। उसके अलावा कुछ राजयोग, जो मेनली राजयोग वगैरह जो है वो सब कहने की बात होती है, लेकिन फिर भी जो दो तीन मेन राजयोग हैं वो आपको मैं बताऊंगा जो कुंडली के अंदर देखने चाहिए, नॉर्मली होते हैं, बाकी राजयोग कैसे बनाने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको वो चीज बताऊंगा नहीं कि मैं ये शकट योग है या ये गज केसरी योग है या इस तरह का योग है, वो चीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने योग हैं कम से कम 3000 तो कोई भी आदमी योग अपना याद नहीं कर सकता, लेकिन योग बनते कैसे हैं वो अगर आपको फंडा क्लियर हो गया, प्रिंसिपल क्लियर हो गया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नक्षत्र सिद्धांत है, तारा चक्र वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी आपको वो देंगे, ब्रेकअप देंगे, फिर भाव भावेश कारक और प्रैक्टिस चार्ट हमारे चलेंगे इसके अंदर, प्रैक्टिस वगैरह इसके अंदर हमारी चलती रहेगी, बीच बीच में भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और लास्ट में तो करेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे चार्ट्स की, जैसे जैसे बात करेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक हमारा मतलब जो मोटा मोटा इंडिकेटिव पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा मतलब इसमें नमस्कार मनन जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है मनन जी ने, तो नमस्कार गुरु जी। आप कहाँ से? आप पहली बार नहीं थे शायद फर्स्ट मीटिंग में, इंट्रोडक्शन मीटिंग में? मैं लंदन से गुरु जी, पहली मीटिंग में मैं एक्चुअली बाहर था, अटेंड नहीं कर पाया, कोशिश कर रहा था ट्राई करने की, लेकिन सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम थी गुरु जी। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं, एक नया चेहरा शायद और आ गया है, ऋचा पाठक कोई है? ऋचा है कोई? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार ऋचा जी, आप कहाँ से हैं? मैं कनाडा से हूँ। अच्छा, आप भी फर्स्ट मीटिंग में दिखाई दिए ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ नए चेहरे इसमें आ गए। जी, मैंने वो मीटिंग मिस कर दी थी। ओ, कोई बात नहीं। तो नमस्कार गुरु जी, मैं अजय शर्मा, मैं भी आज पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ, पहली मीटिंग मैं भी मिस कर गया था, सॉरी। अच्छा हाँ, अजय जी आपसे तो नमस्कार मेरी हुई थी। हाँ जी। हाँ, लेकिन आपकी शक्ल नहीं दिखाई दी जी। अच्छा, आप आगे दिखाई दिए ना, तो शक्ल आपकी दिखाई दी। जी, तो आगे चलते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी का आइडिया लेते हैं, क्योंकि बताया मैंने आपको कि एस्ट्रोनॉमी के वोकेबुलरीज आपको मालूम होना जरूरी है, आपको पूरी एस्ट्रोनॉमी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये राशि है, ये तारे हैं, ये क्या है, या ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए, वो चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिए, शुरू में एक दो क्लासेस में वही रहेगा ताकि आपको एस्ट्रोनॉमी की पूरी वोकेबुलरीज याद हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं।
तो जैसे मैंने बताया, हमारा पहला चैप्टर है एस्ट्रोनॉमी फॉर एस्ट्रोलॉजी, जितना जानना जरूरी है उसके बारे में आज हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने, आप सब लोगों ने ब्रह्मांड का नाम तो सुना ही होगा कि ब्रह्मांड के बारे में हम बहुत बोलते हैं, यूनिवर्स बहुत बोलते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड का नाम कोई नया है? बिल्कुल, सब लोग जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में, जब हम कहते रहते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा यूनिवर्स है। तो वो ब्रह्मांड, अब यूनिवर्स जो है उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं बोलते हैं उसके अंदर। यूनिवर्स जो है वो बहुत अनंत है, इनफाइनाइट है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी ऐसी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, हालांकि उस गैलेक्सी के अंदर भी लाखों सोलर सिस्टम है, बट वन ऑफ द सोलर सिस्टम जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है, जिस गैलेक्सी को हम बोलते हैं मिल्की वे। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, वो मिल्की वे उसको इसलिए नाम दिया जाता है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। इसका देखेंगे रंग, आप थोड़ा दूधिया रंग आपको दिखाई पड़ेगा इसका। ये इसलिए होता है कि ये गैसियस होती है, इसमें गैस पार्ट ज्यादा होता है और इसकी वजह से ये दूधिया रंग की दिखाई पड़ती है। और इसकी स्पाइरल शेप होती है, अक्सर ऐसी ऐसी शेप की आपने जलेबी वगैरह देखी होंगी, तो वही शेप की ये होती है मिल्की वे हमारी। तो इसी को हम, ये ब्रह्मांड का एक पार्ट है, मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, और मिल्की वे के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, उन्हीं के अंदर से हमारा एक सोलर सिस्टम। इसके आगे मैं सोलर सिस्टम आपको दिखा देता हूँ। ये सोलर सिस्टम हमारा है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारे डिफरेंट ग्रह ये घूम रहे हैं, वीनस, मरकरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, इस तरीके से हमारे सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ये सारे सूर्य के ग्रेविटेशन से बंधे रहते हैं, ऐसा नहीं कि छिटक के जा पड़े, इनका सूर्य के चारों ओर घूमने का भी एक टाइम कांस्टेंट है, अपनी एक्सिस में भी घूमने का इनका एक टाइम कांस्टेंट है, इनका रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों कांस्टेंट है। तो इसलिए ये आपका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है। प्लूटो इसमें मैंने दिखाया हुआ है ग्रह के रूप में, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं मानते आज की डेट में, उसको हटा दिया है, क्योंकि उसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम कांस्टेंट नहीं है, उसका रिवॉल्यूशन टाइम भी चेंज होता रहता है, उसका रोटेशन टाइम भी चेंज होता रहता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं फिक्स हैं, उनका रोटेशन टाइम फिक्स है, उनका रिवॉल्यूशन टाइम फिक्स है। अब आता है कि रोटेशन टाइम क्या है और रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, तो कोई बताएगा मुझे रोटेशन टाइम क्या है? रोटेशन टाइम ये है कि जो प्लैनेट अपने एक्सेस पे खुद रोटेट करता है। यस यस एग्जैक्टली, किसी को खोलना हो रहने दो। और रेवोल्यूशन का मतलब ये कि वो जब सन के गोल चक्कर लगाता है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अर्थ 365 डेज में सन के घूमती तो एक साल होता है, और 24 घंटे में अर्थ रोटेट करती है वो एक दिन होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया आपने कि रोटेशन का मतलब होता है, जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू को चलाते हैं तो लट्टू अपने एक्सिस पे घूमता है, तो वो रोटेशन का मतलब होता है कि अपने एक्सिस पे ही घूमना। ग्रह जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, रोटेट करते हैं, और साथ ही साथ रिवॉल्व करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्यूशन। तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस है जो थोड़ा जानना जरूरी है। अब इसमें ये सब फिगर है, मैं आपको मोटी मोटी फिगर बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे इस चीज का कि जैसे देखिए बुध ग्रह है आपका मरकरी, या इससे पहले मैं थोड़ा एक चीज आपको बताना कर गया। आप जैसे देखेंगे कि इसमें सूर्य के पास में वीनस ग्रह है, फिर मरकरी ग्रह है, फिर अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स गया, मार्स के बाद जुपिटर आया, जुपिटर के बाद सैटर्न आया। तो जो सूर्य और अर्थ के बीच में ग्रह हैं इनको बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह। जो अर्थ के बाद आते हैं जुपिटर और मार्स और सैटर्न जो भी आपके हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट्स। तो कभी भी इंटरनल प्लैनेट्स और एक्सटर्नल प्लैनेट्स की बात हो तो आपको समझ जाना है कि इंटरनल प्लैनेट्स जो होते हैं वो बुध और शुक्र ही हो सकते हैं, और एक्सटर्नल प्लैनेट आपके जो होते हैं मार्स, जुपिटर और सैटर्न। और इसके बाद ये आपका मैंने बताया था कि रोटेशन टाइम और रिवॉल्यूशन टाइम इसमें दिया हुआ है। जैसे आप देखें कि मरकरी बुध अपने एक्सिस में 59 डेज में घूमता है, यानी उनका कितना टाइम, जैसे अर्थ को घूमने में 24 घंटे लगते हैं अपनी धुरी पे, ऐसे बुध को घूमने में करीब 59 दिन लगते हैं, 59 डेज लगते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाने में उसको 88 डेज लगते हैं, क्योंकि वो नजदीक है सूर्य के बहुत, तो कम दिनों में चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब ये है कि बुध के पर
जो साल है उनका साल जो है वो 88 डेज का साल है एक तरीके से, और यही डेज बढ़ते जाते हैं। वीनस में ये 255 दिन हो जाएंगे, अर्थ में आके 365 दिन हो जाएंगे, मार्स में आके 687 डेज हो जाएंगे, और फिर बाद में 11.9 ईयर्स, 29.5 ईयर्स, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं ये सारे ईयर्स। तो ये जो 365 दिन अर्थ का है, जो अर्थ से जो कम दिनों वाले जो रिवोल्यूशन करने वाले हैं यही इंटरनल प्लैनेट्स हैं, और अर्थ से जो बाद में रिवोल्यूशन करने वाले हैं ये हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं। तो ये आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है। ये दूसरी चीज है कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी आपने शेप देखी होगी, पृथ्वी को इस तरह टिल्टेड आपने देखा होगा कि वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। आपने नॉर्मली हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि पृथ्वी की जब फोटो दिखाते हैं तो अपने एक्सिस पे झुकी हुई दिखाते हैं उसको, और वो झुकी हुई है करीब 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसके अलावा हर साल 50 सेकेंड्स पर ईयर ये इसका टिल्ट और बढ़ता जा रहा है, 50 सेकेंड्स पर ईयर, 50 सेकेंड्स पर ईयर जब उसका बढ़ रहा है टिल्ट, तो उस केस में ये भी अनुमान लगाया गया है कि 26,800 साल बाद यानी 26,800 ईयर्स के बाद हो सकता है कि आपका नॉर्थ पोल नीचे आ जाए और साउथ पोल ऊपर चला जाए। जैसे आपने फिल्म भी देखी होंगी कि आई थिंक डे आफ्टर टुमारो पिक्चर थी, जिसमें ये था कि वो जब चले गए तो पूरा वहां जाके बर्फ ही बर्फ है, वहां पहुंच गए थे, नए उसमें कह रहे थे कि वो धरती उलट गई है। तो वो ये पिक्चर के अंदर सीन शायद मनन ने देखी हो, मनन आपने देखी है पिक्चर वो वाली, कौन सी है? जी गुरु जी, ये 2012 में भी दिखाया था। अच्छा, 2012 में दिखाया था, उसमें दिखाया था कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक वही आप, वो इसी रीजन से है, वो इसी रीजन से है, क्योंकि जो आज हमारा 23.5 डिग्री का टिल्ट है वो हर साल 50 सेकंड्स बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वो चीज हमारी इसमें आती है। अच्छा, पृथ्वी हमारी, जैसे मैंने बताया कि आप इसको अभी फिलहाल स्फेरिकल मान लीजिए, इस पे काफी वो है, इलिप्टिकल भी होता है और सबको भी बोल देते हैं, आप इसको डायग्राम की वजह से समझ लीजिए कि ये स्फेरिकल डायग्राम है, और एक लाइन हमने पृथ्वी के बीच में खींची है जो इक्वेटर कहलाती है। ये इक्वेटर लाइन है, रेफरेंस है, जो पृथ्वी को दो टुकड़ों में चेंज करती है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, जो कंट्री इक्वेटर से दूर होते हैं वो थोड़ा कम गर्म। ये सर, ये इक्वेटर लाइन है या प्लेन है? नहीं, ये लाइन है, लाइन विषुवत रेखा, ये रेखा है विषुवत रेखा, मतलब इस तरह से ये आप देखोगे तो लाइन, तो ये पूरी 180 डिग्री घूमती हुई लाइन है कंप्लीट, जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को ये इक्वेटर ने ही डिवाइड किया है, ये एक रेफरेंस लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, और ये आपके जो है दो हिस्सों में डिवाइड करती है इसको। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट इस तरीके से डायरेक्शन इसके अंदर होती है। तो ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ये एक चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर इसमें आपके सबसे बड़ी चीज होती है कि पृथ्वी में आप जैसे मैं यहीं आपको बता देता हूं, आपने ग्लोब देखा होगा घरों के अंदर रखा हुआ, तो कुछ कुछ ये लग रहा होगा आपको ग्लोब की तरह लग रहा है, जैसे घर में ग्लोब है। तो आप ये देखते हैं कि ग्लोब के अंदर, जैसे आपने कहीं जाना है, आप कोई पंजाब का रहने वाला है, कोई जलंधर का है, कोई इंग्लैंड का है, आपको कहीं जाना है तो आप नॉर्मली बोलते हैं कि भाई यहाँ से बस पकड़िए, यहाँ से राइट जाइए, वहां जाके जाने के बाद 10 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट टर्न मिलेगा, लेफ्ट टर्न लीजिए, और इस तरीके से आपको डायरेक्शंस बताई जाती है। लेकिन जब आप एयरप्लेन के थ्रू जा रहे हैं या आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, तो वहां पे ये डायरेक्शन इस तरह तो होती नहीं है कि भाई आप जाना आगे जाके राइट टर्न मिलेगा, लेफ्ट टर्न मिलेगा, वहां से बढ़ जाइए या ये कर लीजिए। तो वहां पे आपको जरूरी होता है इस्तेमाल करना जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। वो दो चीजें होती हैं, वो आपको मैं अभी बताऊंगा, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, उन दो चीजों को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। वो ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कि इन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आपको जाना है, और उसके हिसाब से आप फिर अपना एयरप्लेन के थ्रू या अपना स्पेस रॉकेट, स्पेस स्टेशन के जो भी है आपका रॉकेट है उसके थ्रू जाते हैं। अब जैसे ये आपको दिखाते हैं इधर, ये देखिए, इसमें आपके ये जो पृथ्वी है इसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में डिवाइड कर दिया है, इसको डिफरेंट भागों में डिवाइड करा है पृथ्वी को, नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो पृथ्वी को इस तरीके से हम इसको नॉर्थ डिफरेंट भागों में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इसको 10-10 डिग्री के भागों में डिवाइड कर देते हैं, 10-10 डिग्री का भाग ले लेते हैं।
तो 10 डिग्री ये डिसाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, 10 ये कर दिया, 10 ये कर दिया, ऐसी सिमिलरली। तो जो ये हमारे दो पॉइंट हैं, मतलब तो जहां हमारा पॉइंट जिससे हमने लाइन स्टार्ट की है, वो पॉइंट हमारे कहलाते हैं लैटिट्यूड। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे लैटिट्यूड कहलाता है, और इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। तो ये ग्लोब के अंदर आप देखेंगे तो ये हर 1 डिग्री पे होती है, हर 1 डिग्री पे होती है, और 1 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 111 किलोमीटर का है। आप ये आइडिया लगाइए कि 1 डिग्री का डिफरेंस 111 किलोमीटर का है, और वो 1 डिग्री के ऊपर वो हमारी ग्लोब के ऊपर लाइन पड़ी होती है जो हम नॉर्मल देखते हैं। तो 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, तो कुल मिला के 180 लाइंस हो गई। एक इक्वेटर हो गया तो 181, यानी कुल मिला के जो हमारे लैटिट्यूड लाइंस है वो 181 हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से जैसे हमारी ये लैटिट्यूड्स थे, ऐसी हम वर्टिकली लाइन अगर डालते हैं, वर्टिकली हम लोग लाइन डालते हैं, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड आता है। इसमें शायद मैंने आपको फिगर इसमें दिखाई हो आगे, नहीं इसमें नहीं है, वर्टिकल लाइन डालते हैं, अर्थ दिखाते हैं आपको। ये आपको अर्थ दिखा दिया, इसमें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कर देते हैं इसके अंदर। इसके वर्टिकल अगर हम करें, ये भी मान लिया हम 10-10 डिग्री कर लेते हैं, ये हमने केवल एक माना हुआ है कि आपको पता लगाने के लिए, कि अदरवाइज ये 1-1 डिग्री का होता है सारा। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ जो आके लाइन मिलती है इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को हमेशा ईस्ट या वेस्ट में डिफाइन किया जाता है। 10 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट या 40 डिग्री वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड को हमेशा ईस्ट या वेस्ट में डिफाइन किया जाता है, और लैटिट्यूड को हमेशा नॉर्थ और साउथ में डिफाइन किया जाता है। कि 10 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ, वो जब भी आपसे कोई कहे कि भाई हमको जाना है 60 डिग्री नॉर्थ, तो इसका मतलब उसका वो लैटिट्यूड है 60 डिग्री नॉर्थ। कोई कहे हमें जाना है 60 डिग्री ईस्ट, तो उसका मतलब यह है कि वो लॉन्गिट्यूड है 60 डिग्री ईस्ट। अब जैसे मान लिया पर्टिकुलर इसी चीज के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कहाँ पे, एक सपोज लीजिए हम ये कंसिडर करते हैं कि 40 डिग्री ईस्ट हमको जाना है और 30 डिग्री नॉर्थ हमको जाना है, तो कैसे हम इसको शो करेंगे? बेसिक अगर आप देखें, जो साइड में आप जो सेकंड वाला आप इसके अंदर वो गोला देख रहे हैं, इस गोले में आप देख रहे हैं कि लाइंस हैं, अगर इसको भूल जाएं कि ये स्फेरिकल है, इसको अगर स्क्वायर मान लें खाली, तो ये ग्राफ की तरह बन गया है पूरा। अगर इस पूरे गोले को आप एक स्क्वायर की तरह मान लेते हैं, तो ये पूरा एक ग्राफ की तरह बन गया है। जो ये आपका दिखाया हुआ गोला है साइड में, ये चूंकि पूरा गोला है इसलिए आपको लग रहा है, अगर इसको हम स्क्वायर की तरफ कर लेते हैं तो स्क्वायर तरफ बन जाता है। अब इसमें डायरेक्शन अगर हमें दिखानी हो कि हम लोगों ने जाना है 40 डिग्री नॉर्थ, अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो अर्थ है आपकी, जैसे आपने ऊपर वाली फिगर दिखाई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली फिगर दिखा रखी है, इसी में दिखाना चाहें तो हम 40 डिग्री का ईस्ट दिखा देते हैं, 40 डिग्री ईस्ट दिखा देते हैं, ये 10 डिग्री, उसके बाद 20, फिर 30 डिग्री इसको ले लेते हैं, देन इसके बाद 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ईस्ट हो गया, ये मतलब यहाँ पर मार्क आ गया। इसी प्रकार हम 30 डिग्री नॉर्थ लेते हैं, तो 30 डिग्री नॉर्थ चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ लेंगे, तो यहाँ आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारा हुआ, उस कोऑर्डिनेट को हम फिक्स कर लेंगे, वो कहेंगे 40 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ में हम लोगों को जाना है। तो प्लेन वालों को या स्पेस में जितनी भी शटल्स वगैरह हैं, उन सबको यही चीज मिलती है कि आपको इतने लॉन्गिट्यूड पे, इतने लेटिट्यूड पे जाना है, उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं सारा वो फिट करने के बाद। तो ये लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के बारे में आप हल्का सा आइडिया लीजिए, इसके बारे में एक परेशान मत होइएगा कि बहुत ज्यादा क्लियर आपको ना हो, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि हाँ लॉन्गिट्यूड होता है, लेटिट्यूड होता है, और कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, ये थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आपको बता रहा जा रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है एक राहु केतु की बात है। राहु केतु के बारे में तो बहुत कहानी है, सुनी होगी आप लोगों ने, आप में से किसी ने राहु केतु की कहानी सुनी है? हाँ, ये पता है सर, राहु इज ये किसी राक्षस का फेस है और केतु इज उसकी टेल। हाँ, और के मतलब राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा बिहेव करता है। बिल्कुल ठीक है, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया, राहु केतु के बारे में यही स्टोरी है एग्जैक्टली। ये जो राक्षस था, ये सिंहिका का पुत्र, सिंहिका एक वो थी रानी थी, उनका पुत्र था, और ये जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो जब अमृत बट रहा था
जब भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे मोहिनी का रूप धारण करके, तो ये राक्षस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया था। तो भगवान ने इनको पहचान लिया, पहचाना इनको सूर्य ने और चंद्रमा ने, क्योंकि सूर्य देव और चंद्रमा देव के बीच में ये जाके बैठ गया था देवता का रूप बना के। तो उन्होंने इसको पहचान लिया और उन्होंने भगवान विष्णु को जो मोहिनी रूप धारण किए हुए थे उनको बताया कि साहब ये तो ऐसे ऐसे राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो तब तक भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र लेके उनकी गर्दन काटी, तब तक उसे कुछ बूंद उसके गर्दन के नीचे जा चुका था, नेक्टर जो था, जो अमृत था। तो वो मरा नहीं, दो भागों में विभक्त हो गया। तो तब से राहु जो ऊपर का भाग है वो राहु बन गया, जो नीचे का भाग है वो केतु बन गया। तब से राहु केतु कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा से बहुत छिड़ते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने ही उनकी पोल खोली थी, इसलिए यही एक अकेले ऐसे ग्रह हैं। सूर्य सबको अस्त करता है, लेकिन राहु और केतु ऐसे हैं जो हर ग्रह को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य को भी लगाते हैं और बाकी ग्रहों उसको भी लगा देते हैं सारे। अब राहु केतु होता क्या है? बेसिकली राहु केतु का इस्तेमाल नॉर्मली आपका जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो पड़ते हैं उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है राहु केतु का पॉइंट का, जब पृथ्वी सूर्य और ये सब चीजें एक लाइन में एक प्लेन में आ जाते हैं और ये राहु का जो पॉइंट है वो एक प्लेन में आ जाता है, तब ये सब चीजें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसी हिंट देता हूँ कि देखिये ज्योतिष के अंदर हमारा सूरज फिक्स है और हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी हमारी घूम रही है, लेकिन होता क्या है, जैसे आप कभी किसी स्टेशन पे बैठे हो, रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो जब ट्रेन में आप बैठते हैं तो आप ट्रेन आपकी खड़ी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, इतने में सामने से एक ट्रेन आती है और वो आके रुक जाती है। रुकने के बाद नॉर्मली उसी ट्रेन को पहले भेजा जाता है, चलाया जाता है। तो जब वो ट्रेन चलती है तो आपको कई बार ऐसा धोखा होता है जैसे हमारी ट्रेन चल रही है, जबकि वो आपकी ट्रेन नहीं चल रही, चल दूसरी ट्रेन रही है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी होने की वजह से आपको लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। तो इसी प्रकार से घूम हम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है, लेकिन पृथ्वी पर खड़ा हुआ आदमी ये सोच रहा है कि सूर्य घूम रहा है, हम लोग तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम तो घूमते अपने को देख नहीं रहे। तो ज्योतिष में यही सिद्धांत अपनाया गया है, दृष्टा वाला ज्योतिष में दृष्टा का सिद्धांत अपनाया गया है। दृष्टा मीन्स कि जो हम देख रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है, तो वो हम लोग दिखा रहे हैं। अब जैसे हमने इसमें दिखाया, डायग्राम बनाया इसमें कि अर्थ घूम रही है। तो अब होता क्या है कि जो अर्थ का मार्ग है घूमने का, अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमती है सूर्य के चारों ओर, जहां घूमती है हम उसको मान लेते हैं कि यह अर्थ का ना होके सूर्य का ऑर्बिट है, सूर्य घूम रहा है इसके अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर। तो इसलिए इसको रवि मार्ग भी बोलते हैं, एक्लिप्टिक बोलते हैं, रवि मार्ग भी बोलते हैं इसको, इसको रवि मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो अर्थ का घूमने का मार्ग है यही सूर्य के घूमने का मार्ग है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। अच्छा, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा भी घूम रहा है, ये भी आपको मालूम है कि चंद्रमा अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, अर्थ ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, चंद्रमा ने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए, तो वो आप देख रहे हैं, तो वो उस मार्ग को दो पॉइंट पे काट रहा है, एक नॉर्थ साइड में, एक साउथ साइड में। जो तो नॉर्थ वाला पॉइंट है ये आपका राहु कहलाता है, साउथ वाला पॉइंट है ये आपका केतु कहलाता है। नॉर्थ नोड साउथ नोड इनको बोलते हैं, ये हमारे राहु केतु होते हैं। ये बस थोड़ा आप ध्यान रखिए, ज्यादा समझने की उसपे कोई ऐसी वो नहीं है, आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि राहु केतु होते क्या है। ज्यादातर इनका इस्तेमाल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के अंदर ही होता है, जब राहु केतु पॉइंट भी हमारे फिक्स हो जाते हैं और सारा चीज उसमें लाइफ एक प्लेन के अंदर आ जाती है, सूर्य चंद्रमा अर्थ वगैरह, तब जाके ग्रहण हमारा पड़ता है। तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज देखिए क्या है कि मैं आपको उसमें बता देता हूं कि जब कुंडली बनाने के लिए नॉर्मली तो आज की डेट में तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कुंडली हम 5 मिनट बना लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था तब लोग लगन की कैलकुलेशन भी अपने आप करते थे, कुंडली अपने आप बनाते थे, ग्रह अपने आप बिठाते थे, मतलब एक बहुत ही कंबरसम जॉब हुआ करता था। तो उतना कंबरसम जॉब तो हम नहीं कराएंगे कि इतना कंबरसम जॉब के आपको सब चीजें बिल्कुल उसमें, तो नहीं तो आप फिर उसी में उलझ जाएंगे 6 महीने साल भर तक लगातार। लेकिन हाँ, आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा ताकि आपको ये मालूम हो कि लगन कुंडली कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, उसका मेथड क्या है बनाने का। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये होती है, एक होता है साइड रियल टाइम, इस टाइम को आपको ध्यान रखना है कि लगन कुंडली में जब भी आप लगन निकालते हैं या जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो हम साइड रियल टाइम की बात करते हैं। लगन क्या चीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आएगा
कि लग्न क्या होता है, इसलिए लेकिन अभी आप इसको एक रेफरेंस मान के चलिए कि एक लग्न कोई चीज है और उसको निकालने के लिए साइडरियल टाइम की जरूरत पड़ती है। साइडरियल टाइम क्या है? साइडरियल टाइम ये है, आप जैसे जानते हैं कि आपकी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पे घूमती है, 24 आवर्स में आपकी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम जाती है। और मान लिया कि पृथ्वी पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसने आकाश में एक सितारा देखा। अब वो सितारा देख रहा है, अब वो आदमी खड़ा हुआ है, वो रात के मान लिया या सुबह के 6 बजे हैं या रात के 10 बज रहे हैं, आप समझिए रात के 10 बज रहे हैं, उसने सितारा वहां देखा डायरेक्शन में। अब क्या होगा कि वो 6 घंटे के लिए चला गया, टेलीस्कोप से देखा है, दूरबीन से, ऐसे नहीं देखा उसे, दूरबीन से देखा है कि यहाँ पर ये तारा हमारा है। 6 घंटे बाद चला गया, वो 6 घंटे बाद लौट कर आया तो वो तारा शिफ्ट हो जाता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, उसको नहीं लग रहा है, वो तो सोच रहा है ऐसी तारे का डायरेक्शन शिफ्ट हो गई है। फिर 6 घंटे बाद जाता है तो फिर तारा शिफ्ट हो जाता है। ऐसे करते 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 अल्टीमेटली तारा जब उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां उसने रात को 10 बजे देखा था नेक्स्ट डे, तब एक दिन पूरा होता है इनका। वो जो दिन होता है वो 24 घंटे ना होके 23 घंटे 56 मिनट होता है। तो साइड रियल डे और सोलर डे में डिफरेंस इतना ही है 4 मिनट का, कि सोलर डे होता है 24 घंटे का और साइड रियल डे होता है 23 घंटा 56 मिनट का। जो तो साइड रियल डे का मतलब यह है कि जब हम दिन को नाप रहे हैं एक पर्टिकुलर तारे को रेफरेंस लेके कि हमने तारा देखा और उस तारे के हिसाब से हम लोग घूमते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि तारा जब उसी पोजिशन पर आ जाएगा जहां हमने देखा था नेक्स्ट डे, जब उसी पोजीशन पर आ जाएगा तो हम मान लेंगे एक दिन कंप्लीट हो गया। तो ये साइड रियल टाइम हमारा होता है। इसके बाद इससे आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और चीज बता देता हूं। एक ग्रीनविच टाइम होता है, आप में से किसी ने सुना है ग्रीनविच टाइम के बारे में? स्कूल में सुना था। शंकर जी कुछ आइडिया हो ग्रीनविच टाइम के बारे में आपको? हाँ स्कूल में सुना था सर। स्कूल में सुना था, वेरी गुड। चलिए मतलब सुमन जी आपको कुछ नाम सुना है ग्रीनविच टाइम का आपने? नो सर नॉट रियली। GMT GMT बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं? नहीं आइडिया नहीं सर। अच्छा आइडिया सर। सर ये रेफरेंस टाइम होता है। हाँ। और इंडिया आई थिंक GMT माइनस 5.5 आवर्स, GMT प्लस 5.5 घंटे। GMT प्लस, ओके जी जी। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो इसमें क्या होता है ग्रीनविच मीन टाइम क्या है कि अब संसार में हर जगह समय अलग अलग है। भारत में आप देखते हैं कि समय अभी 11 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि मनन के यहाँ समय अभी जैसे हमारे यहाँ 9 बज रहे हैं इस वक्त, मनन के यहाँ समय 5 बज रहे होंगे लंदन के अंदर, ये टाइम होगा इसके, इनके यहाँ समय होगा। तो ये समय डिफर करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, किसी में थोड़ा पीछे रहता है समय, किसी में थोड़ा समय आगे रहता है कंट्रीज में, वो सारा डिफर करता है। तो उसके लिए क्या करा इन्होंने कि समय का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि समय की माप नहीं थी पहले जमाने में, तो समय के लिए क्या होता था कि आदमी की परछाई है, सूरज की रोशनी देखी और उससे ही आइडिया लगाते थे, उसका आइडिया नहीं होता था। एक वन सेकेंड जरा पानी दे। तो एक समय के लिए एक डिसाइड किया गया कि भाई कहीं पे एक टाइम को रेफरेंस माने जहां पे जीरो टाइम रेफरेंस मानते हैं उस टाइम। तो एक रेफरेंस लाइन खींची गई जो कि रॉयल लेबोरेटरी ग्रीनविच में इंग्लैंड के अंदर है। अगर आप कभी इंग्लैंड जाएं लंदन में तो ग्रीनविच जाइएगा, वहां पे शायद मनन जानते होंगे, वहां पर ये लाइन है, लेबोरेटरी है रॉयल लेबोरेटरी के नाम से, वहीं से ये लाइन जा रही है। तो वहां पे टाइम जो होता है फिक्स टाइम होता है उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। उस टाइम में कुछ प्लस करने से या उस टाइम में कुछ माइनस करने से डिफरेंट कंट्रीज का टाइम होता है। जो कंट्री उस लाइन से ईस्ट में होते हैं, पूर्व साइड में होते हैं, उनमें टाइम प्लस करते हैं। जो कंट्री उधर से वेस्ट में होते हैं उनमें टाइम माइनस करते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ा दूंगा, उसके बाद लोकल मीन टाइम पे आऊंगा मैं। ये जो चीजें हैं ये नॉर्मली लगन कुंडली बनाने में इस्तेमाल होती है। साइडरियल टाइम को संपात समय भी बोलते हैं, हिंदी में संपात समय बोलते हैं, संपातिक समय। वो कुंडली में जब लगन कुंडली आप बनाएंगे तो आपको संपातिक समय का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पर 16 डे नहीं चलता 24 घंटे का, वहां 23 घंटे 56 मिनट का टाइम चलता है। अब जैसे ये स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, इस तरीके से वहां पर लाइन है ग्रीनविच में, ऐसी एक लाइन हमारे इंडिया में भी है। अब इंडिया में क्या है कि कुछ लोग मणिपुर रहते हैं, कुछ लोग जालंधर रहते हैं, कुछ लोग बॉम्बे रहते हैं। तो जब बॉम्बे से हमारे पास फोन आता है तो वो कहते हैं कि भी क्या टाइम हो रहा है, तो हम कहते 10 बज रहे हैं। तो वहां भी 10 बज रहे होते हैं, बॉम्बे के अंदर भी, मणिपुर में भी 10 बज रहे होते हैं, हर जगह 10 घड़ी हमारी 10 बजे टाइम दिखा रही है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है,
टाइम डिफर है, थोड़ा टाइम वेरी करता है डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, लेकिन हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है कि हम किसी चक्कर में ना पड़े कि भाई ये स्टैंडर्ड टाइम है कि अगर आप 10 बज रहे हैं तो 10 बज रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, 11 हैं तो 11 बज रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस लाइन खींची हुई है, वो लाइन 5 स्टेट्स में होके जाती है। मिर्जापुर के पास लाइन है, वो यूपी के अंदर वो लाइन खींची हुई है, और वहां पे टाइम को हमने माना हुआ है अपने, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। वो यूपी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 5 स्टेट से होकर वो लाइन गुजर रही है। तो ये टाइम जो है, इस टाइम को हम लोग लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इसका जो लाइन का हमने लॉन्गिट्यूड दिया है वो दिया है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसका लाइन का जो लॉन्गिट्यूड है। ग्रीनविच वाला 0 हो गया, इसका 82.5 दिया है। ग्रीनविच में हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया है क्योंकि उसको रेफरेंस माना है, इसको हमने 82.5 डिग्री दिया है। अच्छा, अब इंडिया का 82.5 डिग्री आ गया तो ग्रीनविच से कितना ज्यादा हुआ, ये हमें सोचने वाली बात हमारी है। अभी हमने जैसे बताया पीछे भी किन्हीं ने कि भी 5.5 घंटे का फर्क होता है, तो 5.5 घंटे ये आए कैसे हैं, कैसे निकले 5.5 घंटे का फर्क है ग्रीनविच से। वहां तो ग्रीनविच में तो हमने 0 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मान लिया है, यहाँ हमारा लॉन्गिट्यूड 83.5 डिग्री है। तो होता क्या है कि जैसे देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री का सर्किल होता है। आप ये तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है, सभी को आइडिया है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो अगर उसको हम निकालेंगे, बाइफरकेट करेंगे, तो वो आता है कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगते हैं। यानी आप पृथ्वी पे जैसे ही 4 मिनट होते हैं, आप लोग 1 डिग्री टिल्ट कर जाते हैं, फिर 4 मिनट होते हैं, फिर आप 1 डिग्री टिल्ट कर जाते हैं। 24 घंटे में घूम के आप उसी वापस अपनी प्लेस पे होते हैं, जहां वो सितारा होता है उसी जगह से आप देख रहे होते हैं 24 आवर्स के बाद। तो ये आपको टाइम लगता है, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच पे हमने 0 डिग्री लिया हुआ है और यहाँ हमने 82.5 डिग्री लिया हुआ है, तो 82.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 330 मिनट हमारे आते हैं, जो कि 5.5 घंटा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा इंडिया का टाइम 5.5 घंटे ज्यादा है इंग्लैंड के टाइम से। अगर किसी कंट्री का लॉन्गिट्यूड 82.5 ना होके 50 डिग्री हो, तो इंग्लैंड से कितना ज्यादा दूर हुआ, वो इंग्लैंड से, इंग्लैंड का 0 हो गया 50, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है पृथ्वी, तो 200 मिनट हो गया, यानी आपका 3 घंटे 20 मिनट। तो यानी 3 घंटे 20 मिनट ज्यादा होगा वहां का टाइम। अगर इंग्लैंड में 10 बज रहे होंगे तो वहां पे 1:20 बज रहा होगा। इसी तरीके से इंग्लैंड में अगर 11 बज रहे होंगे तो इंडिया के अंदर 4.5 घंटे फालतू होंगे, जो हमारे यहाँ टाइम बज रहा होगा। ये एक मोटा मोटा आइडिया है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो इसलिए ये डिफर होता है टाइम हमारा। कि इसमें किसी को कोई चीज दिक्कत आ रही है कुछ? नो सर, एक छोटा सा डाउट है। हाँ, जैसे ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और एकदम पुरानी मेमोरी भी रिफ्रेश हो गई, तो ये 5.5 घंटे का इंग्लैंड से हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स टाइम है, करेक्ट है। लेकिन ये सीजनल का भी टाइम थोड़ा चेंज भी होता है ना, 5.5 से 4.5 या 6.5, उसमें क्या रीजन है? हाँ, एग्जैक्टली आपने सही कहा कि बीच में ये टाइम सर्दियों में आके 4.5 घंटे भी हो जाता है। वो अपनी घड़ी का करेक्शन करते हैं बेसिकली वो लोग। मनन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, इसका बहुत ही बेसिक सा रीजन है, और आई थिंक इसका टाइम जोन से ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है डे लाइट से। तो जब विंटर्स का सीजन आता है तो ये 5.5 घंटे हो जाता है, क्योंकि हमें उसमें दिन में ज्यादा अंधेरा मिलता है। तो जितना ज्यादा बेसिकली ये होता क्या है कि यूके में लोग प्रेफर करते हैं कि सन ज्यादा दिखाई दे, तो जब सन ज्यादा दिखाई देता है तो इंडिया और यूके का टाइम में 4.5 घंटे का फर्क होता है, और जब सन कम दिखाई देता है तो 5.5 घंटे का फर्क होता है। जैसे अभी इस टाइम पे समर चल रही है, सन ज्यादा दिख रहा है, तो 4.5 घंटे का फर्क है इंडिया और यूके में। और जैसे ही अक्टूबर का लास्ट संडे आएगा तो विंटर्स का सीजन आ जाएगा, सनलाइट कम हो जाएगी, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम सही आप बोल रहे हैं। यही रीजन होता है कि डे लाइट का इस्तेमाल कर सकें मैक्सिमम, इसलिए उन्होंने ये टाइम जोन घड़ी अपनी वो ठीक कर लेते हैं, 1 घंटे फास्ट कर लेते हैं या 1 घंटे स्लो कर लेते हैं अपनी घड़ी वो इंग्लैंड वाले। तो फिर उसके हिसाब से हमारा टाइम जोन चेंज हो जाता है, 4.5 घंटे या 5.5 घंटे का फर्क पड़ जाता है
जो हम नॉर्मली मानते हैं उस चीज को। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसमें क्या है, मैं पीछे हाँ दिखा रहा था आपको, अब लोकल मीन टाइम मैंने एक चीज बोली, मैंने जैसे आपसे कहा कि भारत का टाइम तो 5.5 घंटे ज्यादा है इंग्लैंड से, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुछ टाइम हो रहा हो, दिल्ली में कुछ टाइम हो रहा हो, गाजियाबाद में कुछ टाइम हो रहा हो, जलंधर में कुछ टाइम हो रहा हो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर टाइम डिफर करेगा लॉन्गिट्यूड के ऊपर, क्योंकि हर सिटी का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस होगा। भारत का तो लॉन्गिट्यूड हमने 82.35 डिग्री ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि गाजियाबाद का लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री हो सकता है कि जलंधर का लॉन्गिट्यूड आपका 75 डिग्री हो सकता है कि आपका महाराष्ट्र का लॉन्गिट्यूड आपका 74 डिग्री हो। तो टाइम चेंज कर गया अगर जी उससे लगाओगे तो आप, तो हमारा 82.5 है, तो अगर हम गाजियाबाद में आते हैं तो हमारा 77 डिग्री पड़ गया, यानी 5 डिग्री करीब कम हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, और 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 5 और 20 यानी 20 मिनट हमारा टाइम कम हो गया, यानी कि हमारा टाइम 20 मिनट गाजियाबाद का लोकल मीन टाइम अगर हम लेंगे तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा उसमें से 20 मिनट घटाएंगे। तो ऐसे ही जब कुंडली बनाते हैं तो हमेशा लोकल मीन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। लोकल मीन टाइम का मतलब यह है कि बच्चा जहां पैदा हुआ है उस प्लेस पे उस वक्त क्या समय हो रहा होगा, घड़ी का समय नहीं। घड़ी का समय तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का हो गया जो उस लाइन के अगेंस्ट है जहां वो लाइन जा रही है, वहां पर क्या समय हो रहा होगा उस जगह के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तब हम कुंडली बनाते हैं। वो कुंडली जो हमारी बनी होती है, इसीलिए प्लेस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, प्लेस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए ऐसा नहीं कि दिल्ली में जन्म हुआ और मुंबई जन्म हुआ तो आपने एक कुंडली एक ही बना दी उसकी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड डिफर कर गया। जब लॉन्गिट्यूड डिफर कर जाएगा तो आपके लगन भी वेरी करेगा, सब चीजें वेरी करेंगी, आगे बताऊंगा मैं आपको सब चीजें। तो डिपेंड करता है कि आपका लॉन्गिट्यूड कितना है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। तो आपका आपको जो टाइम लेना होता है कुंडली बनाने के लिए, वो टाइम आपको लेना होता है लोकल मीन टाइम, कि उस प्लेस का टाइम क्या है जिस प्लेस पे आप हैं, वो टाइम वो लेना पड़ता है, और साइड रियल टाइम लेना पड़ता है आपको। तो ये ग्रीनविच टाइम, लोकल मीन टाइम और साइड रियल टाइम आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इसमें और कोई ज्यादा बताने की इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप आइडिया रखिए कि जब भी कुंडली बनाते हैं तो लोकल मीन टाइम और साइड रियल टाइम लेते हैं। साइड रियल टाइम जो टाइम स्टार के रेफरेंस में होता है, एक स्टार को रेफर कर लिया और उसके बेसिस पे हम लोग पृथ्वी को घूमते हुए देख रहे हैं, और जब उस स्टार के पास पहुंच जाएंगे तो दोबारा से हमने वो सेटल कर लिया। तो स्टार के रेफरेंस में जो टाइम है वो हमारा साइड रियल टाइम है, जो कि 23 घंटे 56 मिनट का होता है, 4 मिनट कम होता है टोटल टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम हमने समझ लिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है ग्रीनविच मीन टाइम पे, जो लाइन जा रही है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री का है, तो हमारा इस तरीके से 4.5 घंटे का 5.5 घंटे का फर्क आ जाता है। कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आप देखेंगे आगे, वो वोकैबुलरी आपकी आएगी, जब आगे आएगा तो मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको नाम केवल एक बता रहा हूं। इसका नाम, इसका दिनमान रात्रिमान, ये कुंडली में बहुत इस्तेमाल करते हैं अक्सर। जो पुराने ज्योतिष हैं या जो पुराने पंडित लोग हैं वो लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तो इतना इस्तेमाल नहीं करते, हम दिनमान रात्रिमान, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत होता है दिनमान रात्रिमान का। ये आपको आगे मालूम चलेगा कि इसका यूज क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा छोटा बता देता हूं कि जो जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप हैं उस पे सूर्य कब उगा, सनराइज कब हुआ, और जहां आप रह रहे हैं सूर्य कब डूबा उस जगह पे, उस टाइम का जो डिफरेंस है वो आपका दिनमान कहलाता है। यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में जो डिफरेंस आपका आ गया, सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे तो जो डिफरेंस आपका आ गया वो दिनमान कहलाता है। और सूर्यास्त से नेक्स्ट सूर्योदय तक, जो नेक्स्ट सूर्योदय होगा अगले दिन, वो जो डिफरेंस होगा वो रात्रिमान कहलाता है। तो दो समय इसमें मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली के अंदर, जब भी डिस्कस होती है, दिनमान और रात्रिमान। दिनमान का मतलब हुआ आपका सनराइज और सनसेट के बीच का डिफरेंस हो गया, और रात्रिमान का मतलब हुआ सनसेट से लेके नेक्स्ट सनराइज तक का वो डिफरेंस आपका इसमें हो गया। घटीपल में आगे बताता हूं आपको भी। इसी प्रकार से ईस्ट काल होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर कुंडली में, जब पुरानी जो कुंडली है उन पर लिखा रहता है कि ईस्ट काल 20 घटी 22 पल है, 20 घटी 21 पल है, ऐसा करके लिखा रहता है।
ये आफ्टर ऑल ईस्ट काल है क्या चीज, कभी किसी ने कुंडली में सुना है ईस्ट काल क्या चीज होती है एग्जैक्टली? पढ़ा है, कभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया आपने मतलब, लेकिन वैसे सुनने में कभी वर्ड ये आया होगा ईस्ट काल के नाम से, आया देखा वो हमने। हाँ, तो बोलते हैं ईस्ट काल कहलाते हैं। तो सूर्योदय होने के बाद किसी भी घटना के होने तक, जब भी सूर्योदय हुआ है, सनराइज हुआ है, और उसके बाद किसी घटना के होने तक, मीन्स किसी बच्चे के जन्म होने तक का जो समय होता है वो ईस्ट काल कहलाता है। जैसे सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ और जन्म हुआ 1 बजे रात को, तो ईस्ट काल हमारा ये हमारा आपका 19 आवर्स का आ गया, कि 19 घंटे हमारा 6 बजे से रात के 1 बजे तक का टाइम हम लगाएंगे तो 19 घंटे का टाइम बैठ गया हमारा, तो 19 घंटे हमारा ईस्ट काल है। इसको बाद में घटी पल में चेंज करेंगे, नीचे मैंने दिया हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको कैसे चेंज करेंगे, लेकिन यही है कि सूर्योदय होने से जब घटना घटी है, घटना घटी मीन्स कि जब जातक पैदा हुआ है, जब बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका जो डिफरेंस है उसको ईस्ट काल बोलते हैं, जो हम लोग घंटे में निकाल लेते हैं और फिर उस घंटे को हम लोग घटी और पल में चेंज करते हैं जो कुंडली में इस्तेमाल होता है। 1 घंटा 2.5 घटी के बराबर होता है, 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, 2.5 घटी। नॉर्मली सॉफ्टवेयर से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो घंटा ही टाइम दे देता है, सब कुछ निकाल देता है आपके सामने, लेकिन कहीं अगर आपने कोई पुराने ज्योतिष के पास आप चले गए या कोई पुरानी कुंडली आपने देख ली तो वहां पे घटी विपल लिखा होगा, आप फिर वहां फंस सकते हैं कि यार कैसे निकालें इसका, ये क्या कहना चाह रहा है, कितने बजे इसका जन्म हुआ है, ईस्ट काल लिखा है जी 20 घटी 20 पल, 30 घटी 30 पल, तो आप समझ नहीं पा रहे कि कब जन्म हुआ है। तो ऐसी कुंडली जिनमें कि आपके पास सॉफ्टवेयर, जो कुंडली पुराने जमाने की बनी हुई है किसी की, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको घटी पल वगैरह देख के कुछ समझ नहीं आएगा। आज की डेट में तो जो कुंडली आप बनाएंगे वो तो सब कुछ अपने आप टेक केयर कर लेता है, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप सब चीज टेक केयर करता है उसके अंदर, तो उसके अंदर अपने आप ही वो घटी पल जो निकालना होता है वो निकाल के आपके सामने आवर्स और मिनट्स में टाइम दे देता है, तो वो सब कुछ चीजें बिल्कुल फिट हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी बात करनी हो कि 1 घंटे में कितनी घटी होती है, तो 1 घंटे में 2.5 घटी होती है और 1 घटी में 60 पल होते हैं, 1 घटी में 60 पल होते हैं, ये 24 मिनट मान लीजिए इसको, ये आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घटी पल का नोट कर लीजिए, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे तो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग तो हमारी चली रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी तो वहां भी आप देख सकते हैं, लेकिन घटी पल ये आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है अगर आप जन्म कुंडली में या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये जरूर ईस्ट काल, घटी पल, विपल, ये क्या होते हैं मालूम होना जरूरी है। तो घटी 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, 1 घटी में 60 पल होते हैं, तो ऐसी करके आपको फिर 1 मिनट में 2.5 विपल होते हैं, 1 सेकंड में 2.5 विपल होते हैं, मतलब इस तरीके से आपको आइडिया इसका करना है तो ये याद कर लीजिए, तो इसको आपको घंटों में मिनटों में बदलकर 24 से भाग देके सब ये ईस्ट काल हमारा बन जाता है। तो ये ईस्ट काल हो गया, ये घटी पल हो गए जो इसमें है। इसके अलावा कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है हमारी जो बहुत इस्तेमाल होती है, ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस कहीं आसानी से मिलता नहीं है ये, लेकिन रेफरेंस मैंने आपको दिया है, इसको आप नोट करके रखिए अपने पास, ये हमेशा आपके काम आएगा किसी भी करने के लिए, कि 1 घटी में कितने पल हुए, 1 घटी में 60 पल हुए, 1 पल में कितने सेकंड्स हुए, एक मतलब सपोज किसी का बर्थ टाइम बच्चे का नेटिव का 4:56 पर सुबह है, किसी का टाइम समय 4:56, तो 4:56 को चेंज करना है घटी पल में, तो 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 घटी हो गया, 56 मिनट को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पल हो गया, तो 10 घटी 22.4 पल, इस तरीके से 22 पल, बाकी जो बचा 0.4 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी 10 घटी 24 पल आपका इसमें आ गया, 22 जो हमारा आंसर आया वो 10 घटी 22 पल 24 विपल, इस तरीके से हमारा आंसर आया जो मैंने इसमें दे रखा है। ये थोड़ा सा बस इसका आइडिया रखना है आपको, कोई इसमें ऐसा नहीं रखना, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बनी बनाई मिलेगी। मैंने आपको बताया है सर कि कैसे घटी पल में आंसर दिया होता है इन्होंने, तो घटी पल में कैसे चेंज करना है वो इसमें दिया हुआ है, कि 1 घटी से भी आपको वो बनाना है तो 2.5 घटी होती है 1 घंटे में, तो वो आपने उस सबसे घंटे को चेंज कर दिया, आपने ऐसी पल को चेंज कर दिया, आपने ऐसी पल को चेंज कर दिया, तो ये बिल्कुल सिंपल इसके अंदर मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसा कोई चीज और है नहीं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से अभी चलिए है टाइम हमारे पास, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है थोड़ा? नो सर। अच्छा,
थोड़ा टाइम है आपके पास, बता देता हूँ मैं। देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है, मैं इसमें एक सेकंड नीचे से फोटोग्राफ्स थोड़ा, आप देख रहे हैं कि ये एक रिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये रिंग आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है कि हमने अपने सोलर सिस्टम जो हमारा है बना हुआ उसको 12 भागों में डिवाइड कर लिया है। अभी भूल जाइए क्या मेष है, क्या वृष है, क्या मिथुन है, क्या मकर है, ये सब चीजें भूल जाइए। ये तो आगे आएंगी सारी चीजें, आपको बताएंगे सब चीजें ठीक से। अभी ये समझ लीजिए कि हमने 12 भागों में डिवाइड कर लिया है ये देखने के लिए कि हमारा सूर्य कहां पर है, किस हिस्से में है। सूर्य सेंटर में है। अब सूर्य किस हिस्से में है, तो हमने जो 12 हिस्से में डिवाइड किया है इसको, तो इनके नाम रख लिए हैं, मेष, वृष, मिथुन, इस तरीके से इनके नाम रख लिए हैं। ये नाम क्यों रखे हैं आप कोई बता सकता है कि राशि है क्या चीज? बेसिक राशि बेसिकली क्या है कि ये कंस्टेलेशंस है, मतलब तारों का समूह है। ये तारों के समूह है, और तारों के समूह जब देखने में कोई तारों का समूह ऐसा लगता है जो देखने में भेड़ जैसा लगता है तो उसको हमने मेष बोल दिया। कोई तारों का समूह ऐसा लगता है जो हमें शेर जैसा लगता है तो हमने उसको सिंह बोल दिया, सिंह राशि बोल दिया। कोई तारों का समूह हमको देखने में ऐसा लगता है जो कन्या की तरह दिखाई पड़ता है, लड़की की तरह दिखाई पड़ता है, तो उसको हमने कन्या बोल दिया। तो बेसिकली ये तारों के समूह हैं जो राशियां हैं, और इनको हम उनके जिस तरह की वो फिगर को वो बताते हैं उस तरह के हिसाब से हम इनको देख लेते हैं। जैसे एक तारों का समूह है वो एक तराजू की तरह दिखाई पड़ता है तो हम उसको लिब्रा बोल देते हैं, तुला बोल देते हैं, तुला राशि बोल देते हैं। तो ये आपकी रिंग है, इस रिंग के अंदर ही सारे ग्रह घूमते हैं, और इसी से आपको मालूम चलता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है। जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ये हमने पृथ्वी दिखाई है, ग्रह घूम रहे हैं, तो ग्रह यहाँ पर है तो हम कहते हैं ग्रह वृश्चिक राशि में है, ग्रह यहाँ पर है तो हम कहते हैं ग्रह धनु राशि में है, यहाँ पर कोई ग्रह है तो हम कहते हैं कि मकर राशि में है। तो जितने भी हमारे ये 9 के 9 ग्रह हैं, इंक्लूडिंग राहु केतु, 7 ग्रह वो और इंक्लूडिंग राहु केतु जो हमारे घूम रहे हैं, वो इस टोटल इस बेल्ट के अंदर घूम रहे हैं। जो ये बेल्ट की हाइट है, बेल्ट की विड्थ है, ये 18 डिग्री के आसपास है। ये 18 डिग्री मत सोचिए कि छोटा सा है, 18 डिग्री मीन्स लाखों करोड़ों किलोमीटर, जिसके बीच में ये सब चीजें घूम रही है। तो ये लाखों करोड़ों किलोमीटर है बीच का जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस के बीच में वो सब ग्रह घूम रहे हैं। तो उससे ये चीज आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका, अब जैसे सूर्य है, सूर्य आपने देखा यहाँ है, तो आप देख सकते हैं सूर्य कहाँ है, सूर्य धनु राशि के आसपास है, तो आप कहेंगे कि सूर्य हमारा धनु राशि में है। ऐसी डिफरेंट प्लैनेट्स को आप देखेंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स इसमें मैंने ड्रॉ नहीं करे हुए हैं, लेकिन डिफरेंट प्लैनेट्स को अगर आप ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि इन 12 पार्ट्स में से किस पार्ट के अंदर वो प्लैनेट है, वो आपको मालूम चलेगा। तो राशियां कुछ नहीं है, राशि बिल्कुल स्थिर होती है, कॉन्स्टेंट होती है। कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स मतलब कंस्टेलेशंस हैं, स्टार जो होते हैं उनका समूह है, तारों का समूह है। उन तारों के समूह का जिस तरह की फिगर निकल के आती है, जिस तरह को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस फिगर को, उस फिगर के हिसाब से हम इनका नाम रख लिया गया है, इनका फिगर का नाम रख लिया है। सर सूर्य तो सेंटर में है, तो ये इसको हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये धनु में है? सूर्य तो स्थिर है सेंटर में। नहीं नहीं, ये दरअसल आपको डायग्राम से ऐसा लग रहा है, लेकिन मतलब जब आप टोटल, क्योंकि सूर्य को भी हम घूमता हुआ ग्रह मान रहे हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि हमने पृथ्वी को कॉन्स्टेंट किया हुआ है, नीचे पृथ्वी से हम देख रहे हैं, ऊपर तो सूर्य घूम रहा है हमारा, डिफरेंट ग्रह हमारे घूम रहे हैं, सब ग्रह हमारे घूमते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं सारे ग्रह। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा ये है, इसको हमने 12 भाग में डिवाइड कर रखा है। तो जो ग्रह जिस पार्ट के पास होता है, ये पार्ट आपको छोटा सा लग रहा है यहाँ देखने पे, लेकिन ये पार्ट लाखों किलोमीटर के होते होंगे, करोड़ों किलोमीटर के होते होंगे, कई लाइट ईयर्स के होते होंगे, ये पार्ट एक एक पार्ट बहुत बड़ा होगा पार्ट ये वाला। तो जो पार्ट के पास लगता है तो हम कहते हैं कि यार हमारा ग्रह ये घूमता हुआ लग रहा है धनु राशि में आ गया है, या ग्रह घूमता हुआ लग रहा है हमारा मकर राशि में आ गया है। ये सब चीजें मतलब आपका एस्ट्रोनॉमी के थ्रू आपको मालूम चलती हैं सारी चीजें। इसको ये मत सोचिए कि बिल्कुल सूर्य एकदम धनु के पास, या ऐसा लगेगा आपको तो लगेगा, मतलब ये डिफरेंट ग्रह हैं, सूर्य भी है आपका, मंगल भी है, शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, वो सारे ग्रह घूम रहे हैं ऑर्बिट में। और वो सारे ग्रह जो घूम रहे हैं, कोई धनु के पास पहुंच गया है, कोई मकर के पास पहुंच गया है, कोई कुंभ के पास पहुंच गया है, कोई मेष के पास पहुंच गया है, तो जिस जिस राशि के पास पहुंचते जाते हैं हम कहते हैं कि वो इस राशि में प्रवेश कर गया है। सूर्य अभी मेष राशि में चल रहा है, या हमारा जो ग्रह शनि है वो हमारा वृश्चिक राशि में है, तो वो
जिसके पास है, क्योंकि वो एरिया इतना बड़ा है, लाइट ईयर्स में है, क्या आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो जिसके पास है हम कहते हैं कि उस राशि में वो चला गया। तो इसलिए ये राशियों के 12 पार्ट हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, जो आपको समझ आ रहे होंगे कि 12 पार्ट्स हैं राशियां, और ऐसी कोई चीज नहीं है, ताकि हमें ये देखने के लिए कि हम आकाश में अगर देखें तो हमें मालूम चले कि हम कहाँ देखना चाहते हैं। अगर हम कहना चाहें कि हमारा ये ग्रह है, ग्रह हमारा है कहाँ आकाश में देखते हैं, तो आकाश में देखते वक्त ग्रह हमारा कहाँ है, तो उसको देखने के लिए हम कह सकते हैं भाई आकाश में हमारा ग्रह वृश्चिक राशि में, यानी उस पार्ट में है जहां वृश्चिक राशि पड़ती है, उस पार्ट में है जहां पे ये तारों का समूह पड़ता है, इस पार्ट में है जहां ये तारों का समूह पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने इन ग्रहों को देखते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राशि के बारे में ये ध्यान रखना है कि राशियां कुछ नहीं है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके 12 पार्ट है, वो हमने फिक्स किया हुआ है ताकि हमें मालूम चल जाए कि जो हमारे ग्रह घूम रहे हैं वो किस पार्ट में घूम रहे हैं, वो धनु पार्ट में घूम रहे हैं, वृश्चिक पार्ट में घूम रहे हैं, किस पार्ट में घूम रहे हैं। और वो पार्ट्स का भी नाम जो हमने लिया है, वो पार्ट्स का नाम भी हमने रखा है उनकी शेप के ऊपर, जिस तरह की उनकी शेप होती है उस तरह के हमने पार्ट्स को नाम दिए हैं। जो मेष राशि होती है उसकी शेप एक भेड़ की तरह होती है, तो हमने भेड़ की तरह उसका नाम दिया हुआ है मेष। इंग्लिश में इसको एरीज बोल देते हैं, रैम भी बोलते हैं उसको, राम भी बोलते हैं, तो मेष भेड़ भी होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी ये 12 राशियां हैं, और हमारे चंद्रमा की कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि 16 कलाओं से निपुण थे, तो 16 कलाओं से निपुण जो होते हैं वो 16 कला केवल क्या है, चंद्रमा से ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। बेसिकली चंद्रमा, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं और चंद्रमा से उनका अवतार हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी बोला जाता है। सूर्य से श्री राम जी का अवतार हुआ है, इसलिए उनको सूर्यवंशी बोला जाता है। तो चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण से अवतार हुआ है, वो 16 कलाओं निपुण थे। 16 कलाओं को निपुण का मतलब यह है कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमारा दो पक्ष होते हैं, आपने सुना होगा, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है और पूर्णिमा की ओर पूरा हो जाता है। कृष्ण पक्ष वो होता है जब चंद्रमा घटता जाता है और अमावस्या तक आते आते बिल्कुल घट जाता है वो उस दिन। तो वो जो टाइम है, मतलब वो जो कलाएं हैं, वो जो फेसेस हैं, वो 8 फेसेस इसके अंदर होती हैं, 8 फेसेस इसमें होती है, टोटल 16 फेसेस होती हैं, जिससे कि चंद्रमा हमें घटता बढ़ता कैसे दिखाई पड़ता है। ये देख लीजिए चंद्रमा यहाँ पे पूरा पूर्ण अमावस्या के साइड में है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर एकदम पूरा आ गया, फिर घटना चालू हो गया, फिर घटना चालू हुआ, फिर घटना चालू। तो इस तरीके से चंद्रमा की फेसेस डिफरेंट चेंज होती रहती हैं, और चंद्रमा इस कहते हैं कि 16 फेसेस के अंदर पूरा घट रहा है या पूरा बढ़ रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये चंद्रमा की फेसेस होती हैं। तो ये 16 कला जो बोलते हैं वो चंद्रमा की वैसे ही बोलते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से निपुण बोला जाता है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे बताना भूल गया, वो बता देता हूं। राहु केतु आपको मैंने बता दिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिए। इसमें अगर आपको कोई चीज अभी समझ नहीं आई हो यहां तक, तो आप पूछ सकते हैं, या कोई अपना कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। अंजुल जी, कुछ चीज आपको थोड़ा क्लियर ना हुई हो? सर ठीक लग रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस ये खाली याद करके चलिए कि ये क्या चीज होती है, क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है, क्या ईस्ट काल है, क्या घटी है, क्या पल है, क्या विपल है, ये एक टर्म्स याद रखिए खाली आप, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुंडली में बनाते वक्त इनका हम लोग इस्तेमाल करें, तब आपको ये एक ऐसा ना लगे कि आपके सामने कोई बिल्कुल नई चीज आई है। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो हमारा ये जो चैप्टर था, ये एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर था हमारा, जो हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई आज, ये हमारा एक बेसिक एस्ट्रोनॉमी है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजी से, नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी, कल ही हमारी क्लास है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल आरती जी ने बहुत बहुत जन्म किया। आरती जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो हाँ जी सर, कहीं फंस गई थी ट्रैफिक में, तो पहुंचते पहुंचते लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। वैसे इसके अंदर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अजय शर्मा जी, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर ऐसा?
नहीं अभी बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन रिकॉर्डिंग से ये फायदा होगा कि रिवीजन करेंगे और फिर कुछ समझना होगा तो अगली क्लास में आपसे पूछेंगे। हाँ हाँ कोई चीज होगी पूछ लीजिए। और एस्ट्रोनॉमी में ऐसा जैसा क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लास में पूछने की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बिल्कुल नया है। एस्ट्रोनॉमी में कुछ वर्ड्स आपके सुने हुए हैं, हम जानते हैं सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, ये है, वो है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इनका तो सिर्फ मैंने आपको नाम थोड़ा आइडिया दे दिया है कि ये है क्या, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें ये है कि जब इनका कभी नाम पुकारा जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या नया नाम आ गया, इसके अंदर इष्ट काल क्या आ गया या घटीपल क्या आ गए, वो आपको ना लगे, इसलिए इसके नाम इसके अंदर ऐसे दिए हुए हैं। और कल हम लोग क्लास आप लोगों से डिसाइड किया था कि 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। गुरु जी कल थोड़ा टाइमिंग थोड़ा चेंज कीजिए। हां जी टाइमिंग्स टाइमिंग थोड़ा चेंज करिए कल। आप बात कीजिए, मेरे ख्याल सब लोगों को सूट करना चाहिए। हाँ, कल इस टाइम में करने से क्या दिक्कत होता है गुरु जी? रात में तो मेरे ख्याल आप बताइए, आप सब लोगों को सूट करता है क्या रात का टाइम करने का? मैंने इस क्योंकि लोगों से मेरी बात हुई थी सबसे, तो सब लोगों ने ये कहा था कि हम संडे के दिन हमारा आना जाना लगा रहता है, कहीं बाहर जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ जाना होता है, किसी के जाना होता है, तो एक टाइम की फिर बाउंडेशन हो जाती है कि आपको 7 बजे तक या 7:30 तक घर लौट के आना ही आना है, तो सुबह 1 घंटा करके उसके बाद यू कैन गो एनीवेयर, आप जा सकते हैं कहीं घूम सकते हैं। बाकी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो जिस समय आप बोलोगे मैं उस समय कर दूंगा। आप लोग 11 बजे का टाइम ठीक है गुरु जी, मतलब अपना क्लास भी हो जाएगा और पूरा दिन दूसरा काम भी में यूज हो जाएगा। हाँ वही आई थिंक टाइम शुड बी फिक्स 11 o'clock विल बी बेटर, जो नहीं अटेंड कर सकते वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना। चलो ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ। कोशिश कीजिए कि आप ज्वाइन करें क्लास को, क्योंकि क्लास ज्वाइन करने के बाद रिकॉर्डिंग देखने के बाद चीज ज्यादा समझ में आती है। हाँ, वो डबल समझ आएगा, डबल हो जाता है उसके अंदर। तो अगर क्लास नहीं देखेंगे रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो एक बार में चीज इतनी क्लियर नहीं होती, तो क्लास हाँ रिकॉर्डिंग तो आप देखिए, रिकॉर्डिंग जितनी मर्जी बात आप देखिए, लेकिन क्लास अटेंड कीजिए, तो क्लास अटेंड करने से भी आपको एक तो आपके अंदर भी फीलिंग आएगी। किसी रीजन से अगर कोई नहीं अटेंड कर पा रहा है देन रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग उसके लिए तो इसलिए तो रिकॉर्डिंग रखी गई है कि अगर कोई नहीं रीजन अटेंड कर पाता है कोशिश करें अटेंड करने की, काम है तो अपना काम करें, वो कोई जरूरी नहीं है, काम करें, क्लास बाद में आपकी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरु जी मेरा क्वेरी था, हाँ अभी जो 12 राशि है जैसे इसमें एरीज, टॉरस, जेमिनी एक सीक्वेंस में जाती है, तो इसका कोई लॉजिक है क्यों पहले लियो नहीं आता है या क्यों पहले पाइसेस नहीं आता है, ये समझना था। हाँ इसका लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। वैसे इसका लॉजिक ये होता है कि हमारे जो महीने हैं जो हाँ, हिंदू कैलेंडर होता है ना, जैसे हम चैत्र बोलते हैं, बैसाख बोलते हैं, जेठ हाँ, बोलते हैं, आषाढ़ बोलते हैं, ये जो हमारे हिंदू कैलेंडर है, हमारा ये राशियां वगैरह जो भी है सब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो हम कहते हैं चैत्र आ गया, सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता है तो ये वाला महीना आ गया। तो इसलिए हमने जो अपना वो सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारा जो पहला महीना है वो हम कब मानेंगे, तो जो हमारा नया साल है वो आप बता सकते हैं कि हमारा नया साल कब शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? चैत्र महीना। चैत्र में वो कब डेट होती है उसके आसपास? आसपास इंग्लिश महीने के हिसाब से मार्च के आसपास। मार्च के आसपास तो बिल्कुल ठीक है, तो उसी हिसाब से वो डेट होती है, तो चैत्र में शुरू होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसी सीक्वेंस में इसको बनाया हुआ है, नाम रखे हुए हैं। और ऐसा बाकी कोई इसके पीछे इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है, भाई इतना ध्यान रख रहा है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये बना हुआ है। मनीषा जी कोई चीज आपको समझ में आई है, कोई नहीं आई हो तो बताइए। अभी तो गुरुजी सब से समझ आ गई है, कोई दिक्कत होगी तो कल की वाली क्लास में रिवाइज कर। हाँ, रिवाइज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपने पढ़ना है क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में शुरू करेंगे तो वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा पूछने की। अभी तो सब्जेक्ट ऐसा है कि मैंने केवल आपको हिंट दिया है डिफरेंट चीजों का ताकि आपको परेशानी ना रहे। थैंक यू सो मच सर, आज भी हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत इजी है एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बोल दीजिएगा, कोई परेशानी हो। हाँ मनन जी कुछ कहना चाहते हैं? गुरु जी मैं एक चीज ये बोलना चाहता था कि मैंने आपसे पहले लास्ट ईयर से मेरा इस चीज में इस फील्ड में काफी इंटरेस्ट था और मैंने 2-3 जगहों से सीखने की थोड़ी कोशिश करी लेकिन इतना इजीली समझ में नहीं आया। आज ये पहली क्लास मैंने आपकी अटेंड करी, आपने जो स्लाइड्स वगैरह बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड से बताया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर हर चीज को बहुत मैथमेटिकली आपने बताया, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच इसके लिए, और कोई डाउट अभी तक तो नहीं है, मैं इसको पढ़ के फिर आपसे पूछूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग आप देखिए, कोई डाउट होगा तो फिर हम बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। कहीं कोई मेरे पढ़ाने में कमी नजर आए तो आप बिल्कुल टोक दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो मैं वैसे ही करूंगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय सर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट ऑल, थैंक यू सर।